ओम शांति। बुक का नाम है शांति की शक्ति। पार्ट 5। अव्यक्त वाणी डेट है 14th January 1990। साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो? साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है? सोचा और पहुंचा ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्चे के तीव्र गति का है। सोचा और पहुंचा, वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। यह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहो तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता है कि आज बादल हैं, नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो, बादल तो एवर रेडी हैं या कभी फागी आती है। एवर रेडी हैं, सेकंड में जा सकते हैं, ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। जहां सर्वशक्तियां हैं वहां कौन रोकेगा? कभी भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है, तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वह सब हैं, या थोड़े में खुश हो गए हैं कि बाप तो अपना हो गया। बाप तो अपना है लेकिन प्रॉपर्टी अर्थात वर्षा भी अपना है, या सिर्फ बाप को पा लिया ठीक है? वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्वशक्तियां, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी। शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है कमाया और खाया बस? बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो संगम पर, और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम मिला है सारे कल्प में। और कोई युग नहीं जिसमें जमा कर सकूं। फिर तो खर्च करना पड़ेगा। जमा नहीं कर सकेंगे तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं।
अव्यक्त वाणी डेट है 16th मार्च 1992। जैसे आवाज में आना अति सहज लगता है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना इतना सहज है। यह बुद्धि की एक्सरसाइज सदैव करते रहना चाहिए। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त बनाती है, ऐसे आत्मा की एक्सरसाइज आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। तो यह एक्सरसाइज आती है या आवाज में आने की ज्यादा प्रैक्टिस है? अभी अभी आवाज में आना और अभी अभी आवाज से परे हो जाना, जैसे वह सहज लगता है वैसे यह भी सहज अनुभव हो, क्योंकि आत्मा मालिक है। सभी राजयोगी हो, प्रजा योगी तो नहीं। राजा का काम है ऑर्डर पर चलाना, तो यह मुख भी आपके ऑर्डर पर हो। जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब नहीं चलाओ। आवाज से परे हो जाओ, लेकिन इस रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज से परे नहीं होना है, मन से भी आवाज में आने के संकल्प से परे होना है। मुख से चुप हो जाओ और मन में बातें करते रहो, आवाज से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांति के सागर में समा जाए। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति कितनी प्यारी है, अनुभवी तो हो ना। एक सेकंड भी आवाज से परे हो, स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कितना प्यारा लगता है। साइलेंस प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। ओरिजिनल देश भी शांति देश है, इसलिए आत्मा को स्वीट साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है, कितनी भी मन से तन से थके हुए हो, लेकिन अगर एक मिनट भी स्वीट साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है तो कितना फ्रेश होता है। कभी भी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा या हल्ला गुल्ला कुछ भी होता है, तो एक दो को क्या कहते हैं, शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में आराम है। तो आप भी सारे दिन में समय प्रति समय जब भी समय मिले स्वीट साइलेंस में चले जाओ, अनुभव में खो जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अशरीरी बनने का अभ्यास सहज हो जाएगा, क्योंकि अंत में अशरीरीपन का अभ्यास ही काम में आएगा। सेकंड में अशरीरी हो जाए, चाहे अपना पार्ट भी कोई चल रहा हो, लेकिन अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का भी पार्ट देखो, मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से यह पार्ट करा रही हूँ। यही न्यारेपन की अवस्था अंत में विजयी या पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट देगी। अव्यक्तवाणी डेट है 12 नवंबर 1992। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। जैसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वह भी पारस बन जाता है, तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि ऐसे बने हो, क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है। दिव्य बुद्धि दिव्यता को ही ग्रहण करेगी, ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। अदिव्य को भी दिव्य बना सकते हो, या अदिव्यता का प्रभाव पड़ जाएगा। कोई अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी
दिव्य के रूप में बदल देगी। अदिव्य वातावरण व अदिव्य चलन बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति वाले को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाएगा। जैसे वाटर प्रूफ होता है, आग प्रूफ होता है, साइंस के साधन वाटर प्रूफ बना देते, आग प्रूफ बना सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति परिवर्तन नहीं कर सकती, प्रूफ नहीं बना सकती। नॉलेज रखना और चीज है, यह दिव्य है, यह अदिव्य है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज है। दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है? तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए ना। तो अभी दिव्य बुद्धि के वरदानों को कार्य में लगाओ। लगाना तो आता है या कभी भूल जाते हो? आधा कल्प भूलने वाले बनी, लेकिन अभी अभूल बनना। अव्यक्तवाणी डेट है 23 दिसंबर 1993। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया था, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्माएं कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है, इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 1 फरवरी 1994। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो, अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग कर साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजोरिटी देखेंगे लाइट है। लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है ना। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट अर्थात हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता
बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो, कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं, थोड़े समय में सफलता ज्यादा, यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा, और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। अव्यक्त वाणी डेट है 14th नवंबर 1994। इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है। आदि मध्य अंत की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता है। तो अंत नहीं लेकिन आदि है, तीव्र गति के उड़ान की आदि है, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है, कितनी तेज रफ्तार है? आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती, पकड़ भी सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक न पकड़ सका है न पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी भी वृत्ति में परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी भी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। अव्यक्त वाणी डेट है 26th February 1995। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को, बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो, सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी? आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना।
ये मॉडल बनाते हो ना, न सोचो न देखो न बोलो न करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए, ऐसी तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखें तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा और मौज। अगर जीना है तो मौत से जिए, सोच समझ कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना कि कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगी की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। अव्यक्तवाणी डेट है 28 नवंबर 1997। सभी दूर दूर से प्यार से आए हैं, बाप दादा विदेश को देख रहा है, बिन टाइम होते भी बहुत प्यार से समय देकर सुन रहे हैं। देखो यह भी फास्ट गति है ना, यहाँ का आवाज विदेश में 200 स्थान पर पहुंच रहा है। यह भी आवाज की गति फास्ट है ना, यह भी इन्वेंशन है ना। तो आप साइलेंस के पावर की गति फास्ट नहीं कर सकते हो। साइंस ने भारत का आवाज विदेश तक पहुंचाया और आप अपने दिल की शुभ भावनाएं आत्माओं को नहीं पहुंचा सकते हो? पहुंचा सकते हो ना, नहीं तो साइंस आगे चली जाएगी, साइलेंस की पावर थोड़ा कम दिखाई देगी। इसीलिए साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो, सभी में है। एक ब्राह्मण भी नहीं जो कहे कि मेरे में साइलेंस की शक्ति नहीं है, सभी में है। कितने ब्राह्मण हैं, इतने ब्राह्मणों की सकाश क्या नहीं कर सकती? सभी में साइलेंस की शक्ति है। तो अभी एक मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, एकदम साइलेंस मन से तन से इमर्ज करो। अव्यक्तवाणी डेट है 30 मार्च 1998। सीजन की समाप्ति निर्विघ्न हुई, बाप दादा यही वर्तमान समय देखना चाहते हैं कि जो विशेष निमित्त आत्माएं हैं, जैसे मुख का आवाज साइंस के साधनों से दूर बैठे पहुंचता है, ऐसे मन का आवाज संकल्प यह भी ऐसे ही पहुंचे, जैसे यह साइंस द्वारा मुख का आवाज पहुंचता है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, इशारे मिलते थे और उसी इशारे से कईयों को जागृति भी आई, ऐसे अभी जो आदि में हुआ वह अंत में। पहले तो स्थापना की तो एक ब्रह्मा बाप द्वारा साक्षात्कार हुआ, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में शक्तियों का पार्ट है। ब्रह्मा बाप, शिव बाप गुप्त है, बैकबोन है, लेकिन स्टेज पर शक्तियों का पार्ट है। तो शक्तियां अनन्य भी बहुत हैं। वह एक ब्रह्मा बाप ने किया, अभी ऐसी मनोबल की शक्ति प्रत्यक्ष हो, जैसे मुख का आवाज क्लियर पहुंचता है ना, ऐसे मन का आवाज धीरे धीरे पहुंचता जाए, बाप आ गया। सिर्फ यह आवाज भी पहुंच गया
तो ढूंढने लगेंगे, फिर आपे ही पहुंचेंगे, लेकिन यह मनोबल की सेवा अभी होनी चाहिए। यह सारे विश्व तक आवाज कुछ साइंस और कुछ साइलेंस की शक्ति द्वारा ही पहुंचेगा। जिसको मन का आवाज पहुंचेगा, वह समझो ज्यादा समीप आएंगे, और जिसको मुख का आवाज पहुंचेगा, उनमें से नंबरवार होंगे। इसीलिए अभी यह साइलेंस की विशेषता क्या है, साइलेंस के बल से क्या क्या कर सकते हैं, हो सकता है, इस विषय पर ज्यादा अटेंशन, क्योंकि समय कम है और सेवा विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। इसलिए बाप दादा ने कहा कि कुछ सुनाएंगे, क्योंकि निमित्त तो आप हो, वायुमंडल में लहर फैलाने के निमित्त तो आप ही है ना, है ना? तो ऐसी लहर फैलाओ, सभी सहयोगी बन जाओ। अभी मन का आवाज मुख के आवाज से भी ज्यादा काम कर सकता है, तो ऐसे ग्रुप बनाओ जिस कार्य के रुचि वाले हों, और इसकी रिहर्सल करते रहें। जैसे पहले शुरू में याद का अभ्यास किया, सेवा के नए नए प्लान्स बनाए, तो उससे इतनी वृद्धि हुई है ना। अभी जैसे पहली रचना हुई मुख द्वारा डायरेक्ट, फिर हुई मनसा संकल्प द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, अभी है शक्तियों द्वारा, जो कहते हैं कि शक्तियों ने बाण चलाए। तो यह बाण जो संकल्प द्वारा स्पष्ट आवाज पहुंचाए, कोई बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जैसे कोई कोई को स्वप्न पीछे पड़ जाता है, जब तक वह काम पूरा नहीं करता तो बार बार स्वप्न उसको जागृत करता रहता है। कई रिद्धि सिद्धि वाले भी कुछ विधि करते, लेकिन योग की विधि द्वारा यह आवाज फैले। ऐसी सेवा के प्लान बनाओ, जैसे अभी यह उत्सव का वर्ष मनाया ना, अभी वह तो हो गया, अभी फिर ऐसी कोई लहर फैलाओ जो विहंग मार्ग की सेवा हो। मुख की विहंग मार्ग की सेवाएं तो बहुत की, उसकी रिजल्ट तो है ही, अभी फिर कोई नवीनता, समझा? देखेंगे कौन कौन इसमें नंबर लेता है। अव्यक्तवाणी डेट है 13 फरवरी 1999। बाप दादा कहते हैं, आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो, तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है, तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे, अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे तो इस कार्य में बिजी रहेंगे, तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा, और कोई भी हलचल हो अपनी बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं, वह नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना, यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ।
कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे। इसीलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जाए, तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। अव्यक्त वाणी डेट है 13 फरवरी 1999। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरीपन व आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा, क्या होगा, अभी ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, अव्यक्त वाणी डेट है 30 नवंबर 1999। वैज्ञानिकों को बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म महीन होती जाती है, ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हम जिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना? साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है, उसकी इनों को पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है, यह जानने से साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सकेंगे, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना, लेकिन रिफाइन रूप में होगा। अभी के विज्ञान की इन्वेंशन में फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान होने कारण नुकसान का नाम निशान नहीं होगा। तो ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हों को साइलेंस का ज्ञान दो, तो फिर अपनी दुनिया में रिफाइन विज्ञान का कार्य करने में मददगार बनेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 15 दिसंबर 1999। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ संकल्प अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं, और व्यर्थ गवाने वाले कहां न कहां धोखा खा लेते हैं, ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। यह वायरलेस, यह टेलीफोन, जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन
आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। यह आधार तो खत्म होने का ही है, यह सब साधन किस आधार पर है, लाइट के आधार पर, जो भी सुख के साधन हैं, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होती है। बहुत अनुभव करेंगे, संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए, इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसीलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं, हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है, यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2000। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है, साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं
कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वह कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उस विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बन पाता है। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए। दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतनी सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती? जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी ब्रादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। यह नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं। तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो, वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उनको रेस्पॉन्स नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रेस्पॉन्ड दो। सिर्फ सुनो नहीं, क्या रेस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रेस्पॉन्ड उनों को नहीं मिलता है, तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 16 दिसंबर 2000। बिंदु रूप में कर्म करते हुए भी कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है। सुना है ना? चलो, देखा नहीं, सुना तो है। माताओं ने सुना है? आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और
वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते? आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। अव्यक्तवाणी डेट है 20 फरवरी 2001। बाप दादा ने देखा सुना नहीं, देखा किस बारी डबल फॉरेनर्स ने साइलेंस के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए। सभी का सुन तो नहीं सकते, लेकिन सुन लिया है। अच्छे उमंग उत्साह से प्रोग्राम किया और आगे भी अपने अपने देश में जाके भी यह साइलेंस का अनुभव बीच बीच में करते रहना। चाहे जितना सत्य निकाल सको, क्योंकि साइलेंस का प्रभाव सेवा पर भी पड़ता ही है। तो अच्छे प्रोग्राम किए, बाप दादा खुश है। आगे भी बढ़ाते रहना, उड़ते रहना, उड़ाते रहना। अव्यक्तवाणी डेट है 2 फरवरी 2007। अच्छा है, यहाँ का वायुमंडल बहुत सहयोग देता है। जैसे साइंस वाले साइंस की शक्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर देते हैं ना, गर्मी में सर्दी हवा का वायुमंडल बना देते हैं ना, सर्दी में गर्मी का वायुमंडल बना देते हैं। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देती है, क्योंकि यहाँ सेवा करते वृत्ति में क्या रहता है? यज्ञ सेवा है। यज्ञ का पुण्य बहुत बड़ा होता है। तो इस अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से वृत्ति श्रेष्ठ बन जाती है, तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ बन जाता है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2006। अभी के समय के महत्व प्रमाण, जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गवाने का भी तो बुद्धि में रखो। कदम में पदम समाया हुआ है तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गवाने का भी तो बुद्धि में रखो। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गवाते भी तो हो या नहीं? तो अभी मिनट की बात भी गई, दूसरों को कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की भी बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा? ठीक है, नहीं ठीक है, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। तीन बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं,
तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो, अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो तो अभी पावरफुल बनो सेकंड की गति से। अव्यक्त वाणी डेट है 17th March 2007। अभी योग किया न सभी ने, यह प्यार की निशानी है। अभी और जोर से योग करो जो दादी मधुबन में पहुंच जाएगी। जैसे वह ऑक्सीजन देते हैं ना, वेंटिलेटर से देते हैं, तो साइंस पावर से आपकी साइलेंस पावर कम थोड़ी है। और योग लगाओ, पावरफुल योग। जैसे वह ऑक्सीजन देते हैं ना, वेंटिलेटर से देते हैं, तो साइंस पावर से आपकी साइलेंस पावर कम थोड़ी है। और योग लगाओ, पावरफुल योग। देखो, आपके योग से डॉक्टर्स को टचिंग हुई, कोई तो विधि चेंज की ना, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। आप सभी के दृढ़ संकल्प से विधि भी निकल आएगी, ठीक है ना? और योग लगाओ, योग को कम नहीं करना। अव्यक्त वाणी डेट है 31st March 2007। नया संसार अब परमात्मा संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं, तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सरकमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति के सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प के समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति की अनुभूति की, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले। ओम शांति।